अगला जो गुण धर्म है बच्चों, व्युत्क्रम गुण धर्म। अब ये व्युत्क्रम गुण धर्म मैं यहां पर लिखता हूं क्या है व्युत्क्रम गुण धर्म, फिर हम इसको प्रूव भी करेंगे। साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, जहां x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 या x इज लेस देन और इक्वल टू -1, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं इस शर्त को, इन ओपन इंटरवल -∞ to -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 to ∞ इन ओपन इंटरवल, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। दूसरा व्युत्क्रम गुणधर्म है, मतलब व्युत्क्रम को समझना आपको बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हम कॉस इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, और यहाँ पर शर्त है सेम, यही शर्त है, चाहे ये शर्त लिखे चाहे ये शर्त लिखे, दोनों का मतलब एक ही है बच्चों। फिर है टेन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x, जहाँ x इज ग्रेटर देन 0। ठीक ऐसा ही इंटरचेंज भी होता है, जैसे साइन इनवर्स 1/x ऐसा ही हम साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है बच्चों, इसके लिए जो शर्त है -1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 1, परंतु इसमें 0 छूट जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक ऐसा ही cos इनवर्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ 1/x होगा, और ये भी परिभाषित होगा -1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 1। और लास्ट गुणधर्म है बच्चों, टेन इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 1/x, और इसके लिए शर्त है कि x इज ग्रेटर देन 0। तो ये व्युत्क्रम गुणधर्म कहलाते हैं, हम इसे एक एक करके प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन बच्चों मैं इनमें से कोई एक प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक उसी प्रकार से बाकी गुणधर्म को आप स्वयं प्रूफ करेंगे। तो आइए हम जो पहला गुणधर्म है इसको सिद्ध करते हैं, कभी कभी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में इसको दे देते हैं सिद्ध कीजिए करके, तो उस स्थिति में आप कैसे सिद्ध करेंगे, तो चलिए सिद्ध करते हैं, हल करते हैं इसको। ये जो दिया है साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, और ये शर्तें हैं, इस शर्त के अंतर्गत हमको सिद्ध करना है। तो चलिए मान लेते हैं कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू y, ठीक है बच्चों। अब यहां पर याद रखना है कोसेक इनवर्स ऑफ x इक्वल टू y, यानी कोसेक इनवर्स फंक्शन का रेंज, इसको ध्यान रखना है। तो यहां पर y बिलोंग्स टू कोसेक इनवर्स फंक्शन का रेंज, अर्थात y बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 -0, 0 को छोड़कर, ये ध्यान रखना है। तो देयर एम्प्लाइज x इज इक्वल टू कोसेक ऑफ y, क्योंकि इसके अंतर्गत ये एक एक ही आच्छादक फलन है, इसलिए इसको लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू कोसेक ऑफ y। अब इसको साइन में चेंज कर दीजिए, कोसेक y इज इक्वल टू 1/sin ऑफ y, ठीक है बच्चों। यहाँ ले आइए, पक्षांतर कर दीजिए, साइन y इज इक्वल टू 1/x। अब यहाँ पर आपको समझना है कि साइन फलन ये भी क्या है, एकैकी तथा आच्छादक है, इसलिए इसको लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/x, ऐसा लिखा जा सकता है। यदि हम इसको रिजल्ट 1 माने
दिया गया को हम एक मान लें और ये जो रिजल्ट निकाले इसको दो मान लें, तो ये दोनों इक्वेशन से देखिए फ्रॉम वन एंड टू, ये भी y है और ये भी y है, तो क्या लिखा जा सकता है बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ x, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं।